नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सेंटेट इंडिया न्यूज़। आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है कानपुर नगर से, जहां पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए शुरू किया जा रहा है फिर से कानपुर सुपर प्रीमियर लीग। इस बार आयोजित किया जाएगा सीजन 7, जिनके आयोजकों ने की ट्रॉफी का अनावरण और प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर भाग ले रही सभी टीमों के कप्तान मौजूद रहे। मुख्य आयोजकों में अमित जायसवाल, काका भाई, चांदी भाई, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर विनीत रस्तोगी, आरिज नकवी के अलावा, जिसका टूर्नामेंट की शुरुआत होगी अक्टूबर से। और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं अमित जायसवाल काका जी और आरिज भाई, डॉक्टर विनीत रस्तोगी एंड डॉक्टर दीपक। ये हमारे कोर कमेटी जो बहुत ही जल्दी इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें भाग ले रही हैं और इस टूर्नामेंट की जो अवधि रहेगी वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलेगा। प्रेसवार्ता में इस टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट की और भी क्या क्या खास बात होंगी और इस टूर्नामेंट में पिछले सीजन के अलावा और क्या क्या नया होगा। मैं डॉक्टर विनीत रस्तोगी, चेयरमैन KSPL कमेटी। हम लोग ये सीजन 7 KSPL का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें लगभग 22 टीमें कानपुर से सम्मिलित हो रही हैं और अच्छा क्रिकेट कराना है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल क्रिकेट हो, जिसमें कि सभी उम्र के लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छे से अच्छा हो और कानपुर शहर के सभी प्लेयर्स को बेस्ट क्रिकेट अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश रहेगी। कितने ओवर का मैच होगा इसमें? सभी मैचेस 30 ओवर के कराए जाएंगे, जो कि संडे परफॉर्म होंगे। 10 ग्राउंड्स का अरेंजमेंट किया गया है। कानपुर के बेस्ट ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करी गई है। वाइट बॉल क्रिकेट होगा विद कलर्ड किट। इस कार्यक्रम का आयोजन विजयनगर स्थित राहुल स्वीट्स के प्रांगण में किया गया। और इसी प्रकार की तमाम देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के साथ।